हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल की क्लासेस में। मेरा नाम है सोनम चौहान और आज के हमारे सेशन का टॉपिक है जेरेमी बेंथम, जो इंग्लिश फिलोसोफर भी हैं, वेस्टर्न फिलोसोफर भी हैं और एक ब्रिटिश फिलोसोफर भी हैं। तो आज जेरेमी बेंथम से रिलेटेड हम उनकी जो डॉक्यूमेंट्री है उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे, डिस्कशन करेंगे उनके कुछ कंसेप्ट, उनकी जो आइडियोलॉजी है, उनकी जो थिंकिंग है, किसी भी पर्टिकुलर एक कंसेप्ट को लेकर के। वो आज हम प्रॉपर रूप से आज ही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो प्रॉपर रूप से वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। और इसके साथ साथ ही जो भी बीए फर्स्ट ईयर से जो भी बच्चे मतलब जो भी स्टूडेंट्स बीए फर्स्ट ईयर के हैं उनके लिए एक मेन सीरीज़ स्टार्ट की है हमने पेपर सेकंड की। देखिए, आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी का जो पैटर्न है वो अलग हो सकता है, हो सकता है आप सेमेस्टर वाइज पढ़ रहे हों, हो सकता है आप ईयरली वाइज पढ़ रहे हों, लेकिन फाइनली अगर आपके टॉपिक मैच करते हो तो ये सीरीज़ आपके लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो इसका जो लिंक है वो मैंने ऊपर जो है आई बटन है वहाँ पर डाल दिया है, तो वहाँ पर जाकर के आप चेकआउट कर सकते हो। प्रॉपर रूप से अभी दो ही लेक्चर अपलोड किए गए हैं उस सीरीज़ पर और आने वाले टाइम में हर एक लेक्चर बाय लेक्चर उसको हम कम्प्लीट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपने जो टॉपिक है आज का हमारे जेरेमी बेंथम। जेरेमी बेंथम की बात करते हैं कि हु वाज जेरेमी बेंथम, जेरेमी बेंथम कौन था। तो जेरेमी बेंथम एक दार्शनिक, अर्थशास्त्री, न्यायविद और कानूनी सुधारक, यानी कि जो जेरेमी बेंथम है वो कोई पर्टिकुलर एरिया से ही बिलोंग नहीं कर सकता करता है, बल्कि वो फिलोसफर भी है, इकोनॉमिस्ट भी है, जूरिस्ट एंड लीगल रिफॉर्मर की तरह वहाँ पे उसको हम जान सकते हैं, और एक आधुनिक उपयोगितावाद के संस्थापक भी उनको कहा जाता है, यानी कि ए फाउंडर ऑफ मॉडर्न यूटिलिटेरियनिज्म, जो उपयोगितावाद है उसके फाउंडर भी हम इनको बोलते हैं। एक नैतिक, एक एथिकल थ्योरी, मतलब जो उनकी नैतिक सिद्धांत है जो यह कहता है उसमें, एक मतलब जो उनकी एथिक्स थ्योरी है उसके बेस पर उन्होंने उनकी जो आइडियोलॉजी है कि अगर नैतिक रूप से वे खुशी या खुशी को बढ़ावा देते हैं और नैतिक रूप से गलत अगर वे दुखी हैं या दर्द को बढ़ावा दे तो उनमें सभी को प्रभावित करता है, यानी कि उनकी जो उपयोगितावाद है वो सुख और दुख के आसपास का कुछ मतलब एक कंसेप्ट है जो वो हमेशा अपनी आइडियोलॉजी से क्लियर करना चाहते हैं। तो खुशी और दुख इसी को आज हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने मतलब थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस किया है कि जेरेमी बेंथम एक्चुअल में कौन है। तो यहाँ पे जेरेमी बेंथम कौन है, वो एक अर्थशास्त्री हैं, क्योंकि अर्थशास्त्र में भी काफ़ी हद तक उनका कॉन्ट्रीब्यूशन देखा जा सकता है। एक दार्शनिक तो वो है ही, क्योंकि हम फिलोसफर को हम यहाँ पे स्टडी करते हैं तो बेसिकली ये दार्शनिक ही होते हैं। तो ये इनमें एक फैक्ट ही होता है, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट इनका ये होता है कि ये किसी भी पर्टिकुलर एरिया से ही बिलोंग नहीं करते, बल्कि हर एक डिपार्टमेंट, हर एक पार्ट में इनका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे हम यहाँ पे अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो अर्थशास्त्र में भी इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है, न्यायविद की बात करते हैं, न्यायविद यानी कि जुडिशरी जो डिपार्टमेंट है उसमें भी इनका बहुत बड़ा योगदान होता है, कानून से रिलेटेड यानी कि एडवाइजरी की तरह ये लोग काम करते हैं, तो बहुत हद तक इनका कॉन्ट्रीब्यूशन इन चीज़ों में देखा जा सकता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं व्हाई इज़ जेरेमी बेंथम इम्पोर्टेंट, कि जेरेमी बेंथम क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों हम इसको स्टडी करते हैं। तो जेरेमी बेंथम आधुनिक उपयोगितावाद के संस्थापकों में से एक होने के लिए महत्वपूर्ण है, यानी कि बहुत सारे ऐसे उपयोगितावाद के फाउंडर हैं, यूटिलिटेरियनिज्म के फाउंडर हैं, लेकिन उन सभी फाउंडर्स में से जो मेन इंपॉर्टेंट फाउंडर माना जाता है वो है जेरेमी बेंथम, जिसने प्रॉपर रूप से एक यूटिलिटेरियनिज्म जो उपयोगितावाद है उसको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। 18वीं सेंचुरी की बात करें तो 18वीं सेंचुरी के उत्तरार्ध, देखिए यहाँ पे उत्तरार्ध का मतलब क्या होता है, यानी कि ढलता हुआ, यानी कि डाउन होता हुआ, उत्तरार्ध का मतलब होता है थोड़ा मतलब डाउन फेज में जिसमें बात करते हैं उतरता हुआ। तो उसके बाद से दार्शनिक नैतिकता का एक मुख्य जो सोर्स, जो मेन सोर्स माना गया है वो मनोवैज्ञानिक और नैतिकता, वंशानुगतता की रक्षा के लिए और संसद के सुधार के लिए, अपने दूरगामी प्रस्ताव के लिए, कानूनी कोड, न्यायपालिका और ब्रिटेन में जेल प्रणाली, तो ये सब के सब उन्होंने एक प्रॉपर रूप से यहाँ पे एज ए दार्शनिक की तरह, एज एथिक्स की तरह, एक एडवाइजरी की तरह इन सबको यहाँ पे डिस्कस किया है, बहुत अच्छी तरीके से उनको एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं वो कहाँ तक पहुँचे हैं, उनका जो प्रपोजल है, उनके जो मेन सोर्स है वो कहाँ तक है। देखिए साइकोलॉजी को वो साइकोलॉजिकल चीज़ों को वो मेन सोर्स मानते हैं, एथिकल हिंदुइज्म एंड फॉर ही फॉर रीचिंग प्रपोजल्स फॉर रिफॉर्म पार्लियामेंट, लीगल कोड, जुडिशरी, तो हर एक चीज़ को वो, हर एक कंसेप्ट को वो बहुत डीपली तरीके से रिलेट करते हैं अपनी हर एक आइडियोलॉजी से जो उसको वो मेन सोर्स मानते हैं।
अब बात करते हैं इसकी लाइफ हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन की। तो जेरेमी बेंथम का जो जन्म हुआ था वो 15 फरवरी 1748 को लंदन में इंग्लैंड में हुआ था। और यहाँ पे अगर हम बात कर देखिए यहाँ पे एक एक डेट और दे रखी, 6 जून 1832 को इनकी डेथ हो गई थी। तो अंग्रेजी दार्शनिक कहे जाते हैं, इंग्लिश फिलोसफर कहे जाते हैं, इकोनॉमिस्ट कहे जाते हैं, सैद्धांतिक न्यायविद यानी कि जो थियोरेटिकल जूरिस्ट हैं वो भी इनको बोला जाता है। तो उपयोगितावाद के सबसे पहले और मुख्य प्रतिपादक जेरेमी बेंथम को ही माना जाता है। यानी कि यहाँ पे जो यूटिलिटेरियनिज्म है उसके फाउंडर, उसको स्टार्ट करने वाले भी जेरेमी बेंथम ही हैं। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि देखिए क्वेश्चंस आ जाता है कि उपयोगितावाद के सबसे पहले मुख्य प्रतिपादक कौन है, तो वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं या फिर आपको खुद से वहाँ पे आंसर देना होता है। तो वहाँ पे जेरेमी बेंथम सबसे पहले और सबसे मेन चीफ जो फाउंडर होते हैं वो जेरेमी बेंथम कहे जाते हैं। इसलिए हम उनको पढ़ते हैं क्योंकि उपयोगितावाद को स्टार्ट ही उन्होंने किया था। अब यहाँ पे बात करते हैं अर्ली लाइफ एंड वर्क्स, कुछ उनके लाइफ से रिलेटेड कुछ उनके वर्क्स हैं, उनसे रिलेटेड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो 4 साल की उम्र में, देखिए यहाँ पे इनकी बात करते हैं, सिर्फ 4 साल की उम्र में अटॉर्नी के बेटे बेंथम ने कहा, देखिए इनके जो फादर थे वो अटॉर्नी थे, एक पोस्ट होती है वहाँ पे जुडिशरी में अटॉर्नी, उनके बेटे थे। तो बेंथम ने 4 साल की उम्र में कहा था कि उसने उत्सुकता से पढ़ा है और लैटिन का अध्ययन शुरू कर दिया। देखिए बहुत समय से ही, यानी कि फिलोसफर की जब हम बात करते हैं तो वो बचपन से बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी उनके अंदर होती है, और लैटिन का अध्ययन उन्होंने शुरू कर दिया था इतने स्टार्टिंग से। जब लोग वहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपनी एजुकेशन, तब से उन्होंने लैंग्वेज को स्टडी करना स्टार्ट कर दिया था। उनका बचपन का अधिकांश समय अपने दो दादी के देशों के घरों में खुशी से बीता। यानी कि उनका जो चाइल्डहुड का जो टाइम था, उनकी दो दादियाँ थीं, अलग अलग देशों से बिलोंग करती थी, तो उनके घर आना जाना, उनके घर अपना जो टाइम है वो स्पेंड करते हुए उन्होंने वहाँ पे बिताया। वेस्टमिंस्टर स्कूल में उन्होंने ग्रीक और लैटिन कविता लिखने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा हासिल की। यानी कि वहाँ देखिए लैटिन अगर लैंग्वेज की बात करें तो बहुत समय से वो लैटिन लैंग्वेज को फॉलो कर रहे थे, बहुत समय से लैटिन लैंग्वेज पर बहुत ज़्यादा स्टडी, डीपली स्टडी कर रहे थे, और ग्रीक भी उन्होंने काफ़ी हद तक सीखी थी। तो इस पर उन्होंने जो पोएम, जो उनकी जो भी मतलब उनकी जो राइटिंग्स है, उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर वो उनको रेपुटेशन मिली, उनकी जो रेपुटेशन जो इमेज है वो ग्रो हुई वहाँ पर। 1760 में, यानी कि 1760 के आसपास की अगर बात करें, तो वह क्वीन कॉलेज में ऑक्सफोर्ड गए और 1763 में अपनी डिग्री ली। यानी कि 60 से 63 के बीच उन्होंने अपनी जो ग्रेजुएट्स थी वो कंप्लीट की। उसके बाद नवंबर में उन्होंने कानून का अध्ययन करने के लिए लिंकन इन जो वहाँ पे एक इंस्टीट्यूट था, और उच्च न्यायालय जो वहाँ का हाई कोर्ट था, उनके राजा की खंडपीठ में छात्र के रूप में अपनी सीट ली। तो यानी कि उनका जो डायरेक्शन था वो कैसा था, उन्होंने लॉ की एजुकेशंस ली थी, लॉ के बारे में पढ़ा था, और काफ़ी हद तक वो लॉ से, काफ़ी हद तक वो जुडिशरी सिस्टम से जुड़े भी रहे। उन्होंने वहाँ पे वर्क भी किया न्यायालय में, हाई कोर्ट में। नेक्स्ट हम बात करते हैं और भी जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन, जैसे बेंथम की जो पहली पुस्तक थी, जो फर्स्ट उनकी बुक्स थी, वो है ए फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट, ठीक है, जो 1776 में छपी थी। तो सर विलियम्स ब्लैंक स्टोन की टिप्पणियों के परिचय में, मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा टिप्पणी की थी उस बुक्स पर। तो सामान्य तौर पर सरकार के विषय पर उप शीर्षक बिंग डिलीवर्ड एग्जामिनेशन ऑफ जनरल सरकार के कार्य की प्रकृति को दर्शाता है। ये जो इनकी बुक है, बेंथम पहली बुक थी, जो किताब थी उन्होंने, जो राइटिंग्स लिखी थी, फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट, तो प्रॉपर रूप से एक गवर्नमेंट, एक सरकार की जो कार्य की प्रकृति होती है, जो नेचर्स होता है उसका, नेचर ऑफ वर्क, उस सब को वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो बेंथम ने टिप्पणीकारों की भव्य और मौलिक गलती को ब्लैक स्टोन के सुधार के प्रतिशोध, बेंथम की जो बुक थी एंटीपैथी टू रिफॉर्म, यानी कि वहाँ पे बहुत सारे देखे जो क्रिटिसाइज करने वाले फिलोसफर होते हैं उनके आधार पर भी सुधार के प्रतिशोध के रूप में पाया। यानी कि उन्होंने क्रिटिसाइज किया, उस क्रिटिसाइज को उन्होंने देखा परखा, और उस क्रिटिसाइज पे भी उन्होंने बहुत ज़्यादा स्टडी की। ऐसा नहीं है कि
वहाँ उस बुक्स का या उस जो भी उन्होंने उनकी पहले ही जो राइटिंग्स थी उसको लेकर के लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे या टिप्पणी कर रहे थे या वहाँ पे कुछ भी ऐसा मतलब उसको टोक रहे थे, तो उन सब से वो जो भी वहाँ पे उसको गलतियाँ लगी तो उस चीज़ को उन गलती को सुधारने के लिए भी वहाँ पे उन्होंने सुधार के प्रतिशोध के रूप में उस चीज़ को लिया कि वहाँ पे जो प्रतिशोध है वो सुधार, यानी कि वो हर समय कुछ ना कुछ अच्छा उसमें करते चले गए। तो बेंथम की पुस्तक जो उनके बाद के कामों से अलग एक स्पष्ट एक क्लियरी क्लैरिफाई और बहुत ही संक्षिप्त शैली में लिखी गई थी को शुरुआत की निशाने कहा जा सकता है, यानी कि जो फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट थी वो काफ़ी स्टार्टिंग की उनकी बुक्स थी, पहली बुक्स थी जो उन्होंने लिखी थी 1776 में, और काफ़ी हद तक इसको क्रिटिसाइज भी किया गया, विलियम ब्लैक स्टोन ने उनको टिप्पणी भी की। ठीक है, तो वहाँ पर उन टिप्पणियों को उन्होंने कैसे किया, सुधार के प्रतिशोध के रूप में, यानी कि उनको रेवेंज जो लेना था वो सुधार के रूप में लेना था कि कुछ अच्छा यहाँ से निकालना है मेरे को। नेक्स्ट हम बात करते हैं राइटिंग्स ऑफ जेरेमी बेंथम, जो उनकी राइटिंग्स थी वो कौन कौन सी थी, फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट जो उनकी पहल थी वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप एग्जाम में इस तरह की जो भी राइटिंग्स है उनको हाईलाइट करें तो काफ़ी अच्छी मार्किंग आप अचीव कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू प्रिंसिपल ऑफ मॉरल एंड लेजिस्लेचर, एस एन पॉलिटिकल ट्रैक्टिस, और प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, और एनर्जी फैलेसीज, और रेडियलिजम्स एंड नोट डेजर्स। तो ये 6 टाइप की उनकी राइटिंग्स थी जो उन्होंने प्रॉपर रूप से एक बहुत ही अच्छी डीप तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी हुई है, उनकी काफ़ी फेमस है। लेकिन इन सभी में वन ऑफ द मोस्ट फेमस जो है, जो फर्स्ट है उनकी, फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ से उन्होंने मतलब एक तरीके से बुक्स को जो उनको ग्रोथ मिली पब्लिश करने की, राइटिंग्स को और ज़्यादा लिखने की और अच्छे सुधार सुधार करके लिखने की, तो वो यहाँ से स्टार्ट होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेंथम का जो उपयोगितावाद है, जिस उपयोगितावाद की वजह से बेंथम वर्ल्ड फेमस है, जिसकी वजह से बेंथम को स्टडी किया जाता है, पढ़ा जाता है, वो क्या है? तो उपयोगितावाद बेंथम की समूची विचारधारा, यानी कि जो भी एंटायर आइडियोलॉजी है, जो थिंकिंग है उनकी, तथा चिंतन का मूल मंत्र और आधारशिला है। यानी कि किसी भी देखे कोई भी फिलोसफर होता है उसका एक बेसिक कंसेप्ट होता है जिसके चारों ओर उसकी स्टडी सर्किल करती है, जिसके चारों ओर वो घूमता है, जो टॉपिक जो पूरी ज़िंदगी अपनी लाइफ के बहुत अहम वो वहाँ पे उस स्टडी को देता है, उस रिसर्च को देता है। तो बेंथम ने यहाँ पे उपयोगितावाद को दिया, उसका जो बेस था जो यूटिलिटेरियनिज्म से, जो यूटिलिटेरियनिज्म है वो इज़ अ फाउंडेशन एंड फाउंडेशन ऑफ द एंटायर आइडियोलॉजी एंड थिंकिंग ऑफ द बेंथम, एक थिंकिंग थी उसका एक बेस था। तो बेंथम ने तत्कालीन समय से ही नैतिकता के सभी धारणाओं का खंडन किया, यानी कि जो भी एथिक्स से जो भी वहाँ पे मॉरलिटी थी, उन सभी धारणा जितनी भी उनकी धारणाएं थी उनको पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया और उपयोगिता को नैतिकता तथा मानवीय जीवन का आधार बताया। उन्होंने यहाँ पे बताया कि जो उपयोगिता है ना वो बहुत ज़्यादा मॉरलिटी के बेस पर काम करती है, मानवीय जीवन का एक आधार है उपयोगिता। तो बेंथम के अनुसार यहाँ पे मनुष्य को जो अच्छा लगता है उसी को वैश्वरीय इच्छा मानता है, यानी कि उसको जो अच्छा लगा, उसको जो भी अच्छा लगता है वो उस चीज़ को अचीव करता है, उसके बाद जब वो उसे चीज़ मिल जाती है तो उसे वो क्या मानता है कि ये गॉड गिफ्ट है, ये भगवान की इच्छा है, ये उस गॉड की इच्छा है जिसकी वजह से ये मेरे को मिला है, और प्राकृतिक विधि के अनुकूल मानता है, यानी कि जो प्रॉपर रूप से उसे एक नेचुरल लॉ के अकॉर्डिंग मानता है, ये एक नेचुरल रूल है जो दिया जाता है। उसने सुख और दुख अलग-अलग प्रकार से बताए हैं, ठीक है, सुख का भी एक अलग रीजंस बताया है, दुख के भी बहुत सारे रीजंस बताए हैं। तो जैसे प्राकृतिक सुख होता है तो प्राकृतिक दुख भी होता है। तो अगर थोड़ा सा यहाँ पे बताऊँ प्राकृतिक सुख और दुख, देखिए एक किसान के लिए जब वो खेती करता है और उस टाइम पर अगर बारिश हो जाए, मानसून आ जाए, तो उसे वहाँ पे एक प्राकृतिक सुख देता है। अगर वो उसे गर्मी लग रही है, यानी कि जून जुलाई बहुत तेज़ तपती धूप है, वो चाहता है कि हवा चल जाए, बारिश हो जाए, तो वहाँ पे
मतलब नेचुरली अगर ऐसा कुछ होता है तो वो प्राकृतिक सुख है, उसको वहाँ पे प्लेजर मिल रहा है उससे। तो ऐसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे, प्राकृतिक सुख बोलेंगे। इसके बाद दुख की बात करते हैं तो वही इसका अपोजिट आप देख सकते हैं कि अगर सूखा पड़ जाए या फिर आंधी तूफान या फिर कुछ भी ऐसा भूकंप वगैरह आ जाए तो ये प्राकृतिक दुख है, ये नेचर डिजास्टर के तहत एक दिया गया दुख है जो नेचर द्वारा दिया जाता है लोगों को। तो ये होता है प्राकृतिक सुख और दुख। तो ये यहाँ पे बेंथम ने उपयोगितावाद के माध्यम से थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन किया है, स्टडी किया है। एक होता है राजनीतिक सुख और दुख। तो राजनीतिक सुख का मतलब ये होता है कि जो सिस्टम में हो, जो चाहते हैं सिस्टम में आना, अगर उसको सिस्टम में वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल जाती है या फिर वो इलेक्शंस जीत जाता है या कुछ भी ऐसी एक्टिविटी उसको सक्सेस मिलाती है तो उसको राजनीतिक सुख बोलते हैं। ठीक है, इसका अपोजिट अगर वो कुछ भी नहीं कर पाता है पॉलिटिक्स में या वो सिस्टम में कुछ नहीं कर पाता है तो उसको दुख का अनुभव होता है। नैतिक सुख और दुख, सामाजिक सुख या दुख, धार्मिक सुख या दुख, तो ये सारे के सारे जो होते हैं ये अलग अलग कंसेप्ट होते हैं सुख और दुख के, यानी कि धार्मिक धर्म से रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड जो हैप्पीनेस और सोरोज होते हैं कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे आपको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है तो वो आपके लिए सुख है। लेकिन उसी दौरान कुछ व्यक्तियों को बहुत बुरा लग रहा है, उसके अपोजिट भी होता है, 100% एक तरफा नहीं होते हैं, उसमें कुछ अपोजिशंस में भी होते हैं तो उनके लिए दुख होता है। तो अलग अलग लेवल पर, अलग अलग टाइम पर लोगों के लिए सुख और दुख की जो डेफिनेशंस हैं वो चेंज होती रहती है। तो यहाँ पे बेंथम ने बहुत अच्छी तरीके से उपयोगितावाद का वर्णन किया है, डिस्क्रिप्शंस में मतलब थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है। तो इसी वजह से हम बेंथम को पढ़ते हैं, यही एक रीजन्स हैं कि बेंथम को हमें पढ़ना पड़ता है उसके यूटिलिटेरियनिज्म को समझने के लिए, उसके उपयोगितावाद को समझने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइडियाज़ रिलेटेड टू एजुकेशन, यानी कि शिक्षा से संबंधित उनके विचार। तो बेंथम ने यहाँ पर शैक्षणिक सुधार के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा रिसर्च किया, बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत की। अगर बात करें बेंथम की तो यहाँ पे एजुकेशन फील्ड में भी उसने काफ़ी हद तक अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। उसका विश्वास था कि मनुष्य जाति को शिक्षा से ही सुधारा जा सकता है। तो यहाँ पे बेंथम ने भी इसी तरीके से अपनी आइडियोलॉजी रखी, जो थिंकिंग थी उसकी यही थी कि सोसाइटी को आप ग्रो करना चाहते हैं, सोसाइटी में मनुष्य को, जो मनुष्य से बनकर एक सोसाइटी तैयार होती है, अगर उसे आप सही में ग्रो करना चाहते हो तो उस सोसाइटी में एजुकेशंस को ग्रो करो, हर एक व्यक्ति को एजुकेटेड करो, तभी वहाँ पे हर एक चीज़ को सुधारा जा सकता है। उसने शिक्षा की दो पद्धति का सुझाव दिया है, यानी कि उसने दो तरह की शिक्षा की दी है उस समय पे, सिस्टम में आज की बात नहीं करते लेकिन उस समय पे जब ये थे, जब इन्होंने देखा चीज़ों को वहाँ पे, सिस्टम को देखा, तो उन्होंने वहाँ पे एजुकेशन्स के टाइप बताए। फर्स्ट एजुकेशन्स फॉर पुअर, उन्होंने कहा कि एक प्रथम निर्धन और अनाथ बच्चों के लिए शिक्षा होनी चाहिए। दूसरी एजुकेशन्स बताए उन्होंने हाई क्लास इंडिविजुअल्स, कि उच्च वर्ग के व्यक्तियों के लिए। तो उन्होंने क्लास को अलग अलग तरीके से डिवाइड कर दिया ताकि हर एक फील्ड में व्यक्ति एजुकेटेड हो सके, उसको एजुकेशन्स वहाँ पे मिल सके। तो इस तरीके से उन्होंने प्रॉपर रूप से एजुकेशन से रिलेटेड अपने आइडियाज़ रखे, अपनी थिंकिंग रखी। तो प्रॉपर रूप से आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर था वो काफ़ी हद तक आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो जेरेमी बेंथम को लेकर जो बेसिक इन्फॉर्मेशन, तो एक पेपर के कंसेप्ट से, जो एक एग्ज़ाम के अच्छे कंसेप्ट से हमें यहाँ पे मतलब रखने चाहिए थे वो हमने रखे। तो मेक श्योर आज का वीडियो सेशन आपको काफ़ी तक पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। और अगर आप हमें सीधे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जो हमारा अभी चल रहा है उसका लिंक मैंने नीचे डाल दिया है, तो आप वहाँ पर जाके चेकआउट कर सकते हो और फॉलो कर सकते हो। और इस वीडियो लेक्चर से रिलेटेड जो भी आपको कैसा लगा, आपको क्या यहाँ पे इस मतलब इस यहाँ पे सीरीज से रिलेटेड या फिर इस लेक्चर से रिलेटेड कुछ भी ऐसा मतलब अच्छा लगा है या कोई ऐसा कंसेप्ट जो आपका नहीं हुआ, तो आप मुझे कमेंट्स में लिख करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।